हाय दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट राइडर के एक और अध्याय में, जहां मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा एक नई जगह। इस बार हम लोग जा रहे हैं गुदगुदा वाटरफॉल्स, जो कि झारसुगुड़ा सिटी से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। हमें कुचिंडा रोड से आगे चलना पड़ेगा। कुचिंडा सिटी आने के बाद वहाँ से 30 किलोमीटर और हम लोग जाएंगे तो वहाँ एक मोड़ पड़ेगा, जहाँ से और आगे जाएंगे तो प्रधान बाट वाटरफॉल्स आते हैं और बाएं मुड़ेंगे तो गुदगुदा वाटरफॉल्स आएंगे। तो अभी हम फिलहाल गुदगुदा वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सिंगल रोड है, ज़्यादा वाइड रोड नहीं है, जबकि कुचिंडा तक पहुँचने में अच्छा रोड है, वाइड रोड है, लेकिन कुचिंडा के बाद आपको ज़्यादातर सिंगल रोड ही मिलेगा। लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता, आप आराम से गाड़ियाँ चला सकते हैं। रोड बीच बीच में थोड़े बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम रोड में कहूँगा कि अच्छे कंडीशंस में है। दोनों तरफ आपको जंगल जैसे माहौल मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी। ये हम लोग गुदगुदा पहुँच गए हैं और ये आप देख सकते हैं पार्किंग के आगे का जगह, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे जो फैसिलिटीज चाहिए वो सब प्रोवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पे हैंड पंप्स हैं पानी पीने के, पानी के लिए, और काफी सारे देखिए ये बने हुए हैं सीमेंट के, इसके ऊपर आप बैठ के या अपने दरिया बिछा के वहाँ पे आप पिकनिक बना सकते हो। इसको छोड़ दिया जाए तो साइड में बहती हुई झरने का पानी भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो खाना वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ मशरूम टाइप के भी सिविल के जो काम हुए हैं, मतलब कुछ स्टेजेस बनाए गए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो काफी कुछ सुविधाएं हैं, डस्टबिन अवेलेबल है हर जगह पे, तो आप कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंक के आपके एनवायरनमेंट को खराब ना करके और डस्टबिन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो पेड़ है उन पे नोमेनक्लेचर भी हुआ है, उसके नाम भी लिखे हुए हैं पेड़ों पे। और ये देख सकते हैं आप लोग पिकनिक मनाते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, और काफी एंजॉय कर सकते हो आप अपने फैमिली के साथ। उस दिन जब हम गए थे संडे था और काफी भीड़ थी वहाँ पे, कम से कम 1000 के ऊपर की कैपेसिटी थी वहाँ विजिटर्स की, तो काफी ज्यादा तादाद में यहाँ लोग आते हैं। पार्किंग की सुविधा भी अच्छी खासी है और आप अपनी गाड़ियों को सेफ सिक्योर यहाँ पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुदगुदा वाटरफॉल्स ऑल टोटल देखा जाए तो एक काफी बड़ा वाटरफॉल है, जिसमें 2-3 स्टेजेस हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले स्टेजेस देखने के लिए काफी सारी ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अगर ट्रेकिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो वो ट्रेक कीजिए आप, क्योंकि काफी डेंजरस है। आपको रॉ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा और वो काफी डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन आप अगर ट्रेकिंग करके ऊपर जाते हो तो आप गुदगुदा के सारे स्टेजेस देख सकते हैं वाटरफॉल के, जो कि काफी बढ़िया है, और आप वहाँ इत्मीनान से नहा भी सकते हैं। हालांकि यहाँ भी नहाने के लिए काफी सुविधाएं दी गई है, पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वहाँ पे चेन्स वगैरह लगाए गए थे ताकि कोई बह के कहीं और ना चले जाए, और पानी भी कमर के हाइट का है, कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है। ये जो है सबसे नीचे का स्टेज है झरने का, और वहाँ आप दो झरने देख सकते हो। ऊपर और चढ़ोगे पहाड़ पे तो और दो काफी बड़े साइज के झरने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी खासी ट्रेकिंग करनी पड़ेगी, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ जो झरने का बॉटम है वहाँ पे आप काफी सारा जगह पाएंगे वहाँ बैठ के आराम से खाना बनाने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए, या फिर कुछ अगर इंडोर आउटडोर गेम्स आप खेलना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। ये एक ब्रिज टाइप का बनाया गया है, जो कि है सीमेंट का लेकिन लकड़ी की तरह दिखता है। इसके मिड में खड़े होकर काफी अच्छे सेल्फीज ले सकते हो, यहाँ से झरने के जो सारे स्टेजेस है वो भी दिखते हैं। तो झरने के पास आपको काफी जगह मिल जाएगी और आपका खाना बनाने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे कुछ बहुत सारे मिट्टी के चूल्हे भी हमने देखे, जो कि लोगों ने पहले आके बना दिए हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो, या फिर पत्थरों को यूज करके आप चूल्हा बना सकते हो, या फिर अपना अरेंजमेंट खुद कर सकते हो। तो काफी अच्छी पिकनिक जगह है काफी, और यहाँ पानियों में आपको मछलियां भी मिलेंगी, बच्चे काफी खुश होंगे मछलियां देख के, उन्हें आप फीड भी कर सकते हो, और काफी अच्छी जगह है कुल मिलाकर। फिलहाल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह काफी अच्छा है, वहाँ काफी सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस के अधिकारी
जो है तैनात है बहुत पार्किंग में और पिकनिक स्पॉट में, तो कोई अनहोनी हो जाए या फिर कोई मिसक्रिएंट वहाँ पे बदमाशी चालू कर दे तो उसे हैंडल करने का भी बंदोबस्त है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कुछ स्नैक्स, सोडा और ये सब के भी आपको स्टॉल मिल जाएंगे। तो अगर आपने अपने साथ कुछ लिया नहीं खाने के लिए तो वहाँ भी आप भूखे नहीं रहेंगे, वहाँ आपको कुछ मिल जाएगा, स्नैक्स वगैरह, सोडा वगैरह। तो दोस्तों ये था मेरा गुदगुदा का एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको गुदगुदा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे वहाँ पे काफी सरसों के खेत हमने देखे, हमने उन खेतों में जाके अपने सेल्फीज भी ली, फैमिली के साथ कुछ फोटोज भी लिए, आप इनका भी आनंद ले सकते हो। काफी खूबसूरत ये सरसों के खेत। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ट्रैवल वीडियोस आपको दिखा सकूँ, नई नई जगह के बारे में आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा ताकि क्या और बनाना चाहिए वीडियोस में उसके बारे में जान सकूँ।